स्टूडेंट्स, गुरु लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत है। गुरु लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन, ये क्लास 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड के लिए पूर्णतः समर्पित है। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी को 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के ग्रामेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके 12th बोर्ड में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करें। और इस क्लास में मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं और सेंटेंसेस सॉल्व करते हुए मैं आपको ग्रामर के रूल्स बताते चलूँगा। तो आइए हम इस पूरी क्लास को देखें और इससे संबंधित कंसेप्ट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगी। आइए इस क्लास की शुरुआत करें। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए और मैं इसके तीन सेट आपसे बनवाऊंगा। ये सेट वन है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा। आपने इन रूल्स को समझना है और इन्हें अपनी कॉपी में नोट करना है, जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए इस क्लास को हम पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, आइदर ही और यू टू ब्लेम। और हमें यहाँ एक वर्ब चूज करना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ करेक्ट होगी। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के कंसेप्ट की, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस 2009 से लेकर 2021 के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हैं बिहार बोर्ड ने, उन्हीं के आधार पर हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए इस पहले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आइदर ही और यू टू ब्लेम, ऑप्शन में है इज, आर, वाज और वर। तो आप जानते हैं कि इज एक सिंगुलर वर्ब है, वाज भी एक सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल है और वर भी प्लूरल है। इज और वाज सिंगुलर हैं, आर और वर प्लूरल है। देखिए, रूल है कि अगर दो सब्जेक्ट, तो यहाँ है सब्जेक्ट ही और यू, दो सब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस में। अगर दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े गए हों, दो सब्जेक्ट को अगर आइदर और से जोड़ा गया हो, तो वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। अगर दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हों, तो वर्ब का प्रयोग सेकंड सब्जेक्ट के आधार पर होता है। सेकंड सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आर का ऑप्शन सही है, क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर, वर्ब भी तो लग सकता है। जी, लग सकता है। अगर चारों ऑप्शन में दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता था, तो आप देखेंगे कि आर प्रेजेंट टेंस में है और वर पास्ट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों का ऑप्शन सही हो रहा हो, तो प्रेजेंट टेंस से आंसर बनाया जाता है, आंसर प्रेजेंट टेंस से निकलता है। इसलिए यहाँ आर भी प्लूरल था, वर भी प्लूरल था, आर प्रेजेंट टेंस में था, इसलिए हमने अपना आंसर आर को बनाया। तो पहला रूल था कि अगर दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो वर्ब का प्रयोग सेकेंड सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। अब दूसरे सेंटेंस को समझते हैं। दूसरा सेंटेंस है,
नाइदर यू नॉर राम रिस्पॉन्सिबल। और हमें यहाँ एक सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट में है, वर्ब में है इज, आर, वर और वाज। तो रूल था कि अगर दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से या आइदर और से जुड़े गए हों तो वर्ब का प्रयोग सेकेंड सब्जेक्ट के आधार पर होता है। सेकेंड सब्जेक्ट राम है, राम सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हमारा आंसर इज सही होगा, क्योंकि इज सिंगुलर होता है। वाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वाज पास्ट में है, इज प्रेजेंट में है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों का जब ऑप्शन होता है तो हम अपना आंसर प्रेजेंट से निकालते हैं, तो इज का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस थे, इनका रूल था कि दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग सेकेंड सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। अब थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। थर्ड सेंटेंस में आप देख रहे हैं नथिंग बट ट्रीज सीन। फोर्थ सेंटेंस भी इसी को फॉलो कर रहा है, नथिंग बट वाटर सीन। तो स्टूडेंट, ये रूल ये कहता है कि नथिंग बट के बाद, नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं हो सकती है, तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं। तो नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और वो नाउन प्लूरल भी हो सकता है। ट्रीज यहाँ प्लूरल है। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लगने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, यानी नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है। नथिंग बट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में, चूंकि ये सीन है, आप जानते हैं सीन वर्ब थ्री है, सी सा और सीन, सीन वर्ब थ्री होता है, वाज और वर के बाद वर्ब फोर लगता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि इनके बाद वर्ब फोर चाहिए होता है, हमारे पास तो वर्ब थ्री है। हैज हैव के साथ वर्ब थ्री लगता है, तो रूल क्या है, नथिंग बट सिंगुलर है, सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और सिंगुलर होता है हैज, हैव प्लूरल होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हैज। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। सीन वर्ब थ्री था इसलिए हमने हैज का आंसर सही लगाया है, हैज सिंगुलर होता है। वाज इसलिए नहीं लगा क्योंकि वाज के बाद वर्ब फोर होना चाहिए और सीन वर्ब थ्री था। तो ये इस रूल पे है, दो रूल हो चुके आपके। तीसरे की बात करते हैं। सेंटेंस है अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग बार्किंग, और उसी को फॉलो कर रहा है सिक्स नंबर सेंटेंस, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग बार्किंग। ये फॉलो करते हैं एंड के रूल को। अब इसे समझिए ध्यान से, आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में बीच में एंड है। एंड के पहले ए आर्टिकल लगा हुआ है, एंड के बाद भी ए आर्टिकल लगा हुआ है। तो अगर एंड के दोनों तरफ वाले नाउन के पास अपना आर्टिकल है, दो आर्टिकल अगर इसमें लगे हैं, एंड के पहले भी आर्टिकल, एंड के बाद भी आर्टिकल अगर है, तो इसे प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा।
तो प्लूरल वर्ब यहाँ आर है, आर का आंसर यहाँ करेक्ट होगा। हैव नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हैव के बाद वर्ब थ्री चाहिए और बार्किंग वर्ब फोर है। डू नहीं लगा सकते हैं क्योंकि डू के बाद वर्ब वन आना चाहिए, बार्किंग वर्ब फोर है। तो ये पहले ही गलत हो गए। एंड के पहले अगर आर्टिकल हो, एंड के बाद भी आर्टिकल हो, तो ये प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन सिक्स नंबर सेंटेंस में देखिए, एंड के पहले आर्टिकल ए है लेकिन एंड के बाद आर्टिकल नहीं है, सीधे वाइट डॉग है। एंड के पहले ए है लेकिन एंड के बाद ए नहीं है, तो इसे सिंगुलर मानेंगे। अगर एक तरफ आर्टिकल हो दूसरी तरफ आर्टिकल नहीं हो तो ये सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब होगा इज। दोनों को ध्यान से समझें आप कि एंड के पहले अगर आर्टिकल हो, एंड के बाद भी अगर आर्टिकल हो तो ये प्लूरल हो गया। एंड के पहले आर्टिकल हो, एंड के बाद आर्टिकल नहीं हो तो ये सिंगुलर हो गया। इस तरह से ये एंड के दो रूल्स थे। अब आर्टिकल ए, एन और द तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले रूल की। तो इसमें है कि इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डॉट डॉट 50। तो याद रखिए कि अगर सेंटेंस में द नंबर ऑफ आए, द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ सिंगुलर माना जाता है, भले ही इसके बाद आने वाली नाउन प्लूरल हो। देख रहे हैं, द नंबर ऑफ के बाद बुक्स लिखा गया है, बुक्स प्लूरल होता है, एस लगा हुआ है इसमें। तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है, इसलिए आप इज का प्रयोग करेंगे। वाज सिंगुलर है लेकिन वो पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। और ए नंबर ऑफ अगर आपको कहीं दिख रहा है तो ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। ध्यान से समझिए, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब और ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो द नंबर ऑफ था तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाया, यहां ए नंबर ऑफ है इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा, आर का प्रयोग यहां करेंगे। यानी सेंटेंस में द नंबर ऑफ दिखने पर वर्ब को सिंगुलर लगाया जाता है, ए नंबर ऑफ दिखने पर वर्ब को प्लूरल लगाया जाता है। ये रूल है द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ का। अब हम अपने अंतिम दो सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ है द जूरी। याद रखिए एग्जाम में जूरी और कमिटी के आधार पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 100% इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, कमिटी या जूरी। कमिटी की स्पेलिंग भी आप जरूर याद रखिए, COMMITTEE। आपके एग्जाम में मीनिंग गलत देकर सही मीनिंग पूछा जाता है। ऑप्शन में चार शब्द होंगे, उनकी मीनिंग अलग अलग होगी, करेक्ट वर्ड आपको चुनना होता है। तो कमिटी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसकी मीनिंग याद रखिएगा। इनके साथ रूल है, जूरी और कमिटी के साथ एक रूल है कि जूरी और कमिटी ये ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं। ये अपने आप में ना सिंगुलर हैं ना प्लूरल हैं, तो वर्ब कैसे लगाएंगे इनके साथ? तो वर्ब का निर्धारण आगे पोजेसिव ऑब्जेक्टिव करता है। आप देखिए यहां देयर का प्रयोग किया गया है और यहां इट्स का प्रयोग किया गया है।
देयर दे का रूप है, प्लूरल है, और ईट्स इट का रूप है, सिंगुलर है। तो जूरी या कमिटी में आगे अगर देयर लिखा हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, और इट्स लिखा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जूरी और कमिटी ना सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, कौन सी वर्ब आप लगाएंगे ये दोनों तय करते हैं। अगर जूरी वाले सेंटेंस में इट्स लिखा होता तो आप सिंगुलर वर्ब लगाते, कमिटी वाले सेंटेंस में अगर देयर लिखा होता तो आप प्लूरल वर्ब लगाते। तो आइए 9 नंबर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ देयर है, देयर प्लूरल होता है इसलिए प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और यहाँ देखिए डिवाइडेड तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, वर यहाँ आंसर होगा, पैसिव वॉइस में है ये। डू डज के साथ हमेशा वर्ब वन लगता है, वो कभी नहीं होंगे। द कमिटी इशूड इट्स रिपोर्ट। तो यहाँ इट्स है यानी सिंगुलर है इसलिए हैज का आंसर होगा। तो जूरी और कमिटी ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, इनके साथ इट्स और देयर ये तय करते हैं कि ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। तो हमने 5 रूल्स सीखे, दो सब्जेक्ट अगर आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हैं तो वर्ब का प्रयोग सेकेंड सब्जेक्ट के आधार पर होगा, नथिंग बट के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाई जाएगी, एंड के पहले भी आर्टिकल हो एंड के बाद भी आर्टिकल हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एंड के पहले आर्टिकल हो एंड के बाद आर्टिकल नहीं हो तब इसे सिंगुलर मान लिया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है, इसके बाद नाउन भले ही प्लूरल हो लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाया जाता है। ए नंबर ऑफ को प्लूरल मानते हैं और इसके साथ नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल होता है। जूरी और कमिटी सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होते हैं, इनके सेंटेंस में अगर देयर है तो प्लूरल वर्ब, इट्स है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो स्टूडेंट्स ये सेट 1 है, अभी मैं सेट 2 भी लिखता हूँ और उसमें सेंटेंसेस लिखकर रूल्स आपको पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स सेट 2 में 10 सेंटेंसेस हैं और इन 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, इसके रूल को समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, इच ऑफ द बॉयज कंप्लीटेड द टास्क। हमें यहाँ करेक्ट वर्ब चुनना है, हैज, हैव, डू और डज, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका रूल ये है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है इच, इवरी, आइदर और नाइदर, चार चीज़ें हैं, इच, एवरी, आइदर या नाइदर, अगर इन चारों में से कोई भी एक आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट में होता है तो सिंगुलर माना जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड द टास्क, क्योंकि इच को हम सिंगुलर मान रहे हैं। अब इस सेंटेंस में इच के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमको उससे मतलब नहीं है, इच अगर हमारे सेंटेंस में है तो वर्ब सिंगुलर होगा, है सही है। डज इसलिए गलत है क्योंकि डू और डज के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है और यहाँ कंप्लीटेड वर्ब 3 है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स। तो यहाँ आइदर ऑफ है
अभी हमने पढ़ा था आइदर और नाइदर नॉर, वो अलग कंसेप्ट है। हमेशा आइदर और के साथ आएगा, नाइदर नॉर के साथ आएगा, पर यहाँ आइदर के साथ ऑफ है। या अगर केवल अकेले आइदर भी रहता तो उसे हम सिंगुलर मानते, क्योंकि इच इवरी आइदर और नाइदर को सिंगुलर माना जाता है, चाहे उसके साथ लगने वाला नाउन प्लूरल ही क्यों ना हो। वर्ब हमेशा इनको देखकर सिंगुलर लगेगा, इज का प्रयोग करेंगे, वाज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। नाइदर ऑफ तो सेम रूल है, इच इवरी आइदर नाइदर का वर्ब सिंगुलर होगा, चाहे इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब है वाज। अगला रूल है ही एज वेल एज आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आप ही को सब्जेक्ट मानते हैं तो वर्ब इज होना चाहिए, आई को सब्जेक्ट मानते हैं तो एम होना चाहिए, दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो वर होना चाहिए। आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो याद रखिए कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, एलोंग विथ से जुड़ा हुआ है या विथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। रूल है कि दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़े हों, विथ से जुड़े हों, एलोंग विथ से जुड़े हों, तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। पहला सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ यहाँ आंसर होगा इज, और यहाँ पहला सब्जेक्ट था टीम, टीम सिंगुलर माना जाता है क्योंकि ये ग्रुप का नाम है, कलेक्टिव नाउन है, इसे हम सिंगुलर ही मानते हैं, इसलिए यहाँ लग जाएगा वाज। अब यहाँ वाज लग सकता है क्योंकि इज यहाँ नहीं है। डिड और डज के साथ हमेशा वर्ब वन लगता है, जबकि लीविंग यहाँ वर्ब फोर है। तो रूल पढ़ा आपने कि अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है, दो सब्जेक्ट अगर विथ के साथ भी जुड़े हों तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। ये रूल था इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पीपल ऑफ दिस विलेज ऑनेस्ट। तो यहाँ रूल है ऑफ का, ऑफ एक प्रेपोजिशन है और हमेशा ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट लगा है उसी के अनुसार वर्ब लगेगा। ऑफ के पहले पीपल है, पीपल मीन्स लोग, प्लूरल का बोध कराता है ये, पीपल हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑफ के पहले आया है। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा जिसमें बीच में अगर ऑफ है तो वर्ब का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के आधार पे होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे आर, क्योंकि पीपल प्लूरल था। अगर ये सिंगुलर होता तो हम सिंगुलर का प्रयोग करते, पहले सब्जेक्ट के आधार पर ही करते। जैसे यहाँ देखिए ऑफ, ऑफ है, ऑफ के पहले सब्जेक्ट है प्राइस, ये सिंगुलर है, तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि गॉन वर्ब थ्री है और वाज और एम के साथ वर्ब फोर लगता है, हैज का आंसर यहाँ सही होगा। सेम है, यहाँ आप देख रहे हैं ऑफ, तो ऑफ के पहले आप देखेंगे, ऑफ के पहले है वाटर, वाटर अनकाउंटेबल होता है, नहीं गिन सकते हैं, सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब है यहाँ इज, करेक्ट आंसर होगा। अब नीचे के ये दो रूल हैं ये एडजेक्टिव के आधार पर हैं। रूल ये है कि कभी भी अगर द के साथ कोई एडजेक्टिव लिख दिया जाए तो उसे प्लूरल माना जाता है।
तो रिच मीन्स अमीर होना, एडजेक्टिव है। अगर द आया तब ये प्लूरल हो गया, दुनिया के सारे अमीरों का बात आप कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर लगाएंगे। ओल्ड मीन्स होता है पुराना या बूढ़ा, आपने द लगा दिया है इसके साथ तो अब ये प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब लगाएंगे और आर का प्रयोग। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में और भी सेंटेंसेस हम देखेंगे। ये आपने एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हमारी अगली ग्रामर क्लास में हम इसे और आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। प्रीमियम क्लासेस गुरु ऐप पर चल रही हैं, ऐसी ही क्लासेस को कंडक्ट किया जा रहा है हमारे अपने एप्लीकेशन पर। आप प्रीमियम मेंबरशिप से जुड़ें और जुड़ने के बाद अपने 12th की क्लासेस को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।